हेलो दोस्तों, गेकोस गैरेज में आपका स्वागत है। आज हम बॉबी द बस का चेकअप कर रहे हैं, बस होने ही वाला है। रुको मैकेनिकल्स, मैं अभी भी बस के ऊपर हूँ। बॉबी बॉबी, ओ डियर, वो मुझे सुन नहीं सकता। मैकेनिकल्स, जल्दी करो, मुझे यहाँ से निकालो। ओ, वो देखो, सामने एक ब्रिज है। बॉबी तो बहुत तेज जा रहा है। अरे वो देखो, एक ऊंचा ब्रिज। यही सही वक्त है मैकेनिकल्स, अगर मैं इसे पकड़ सकूं। छूट गया, अब क्या करूं? बहुत अच्छे येलो, तुमने मुझे बचा लिया। कोई बात नहीं बॉबी, तुम्हें मालूम नहीं था और किसी को चोट भी नहीं लगी। मदद के लिए शुक्रिया मैकेनिकल्स, मैं तुम्हारे बिना क्या करता। बाय। ये तो मम्मी ट्रक और बेबी ट्रक है, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? सुरंग ब्लॉक है और आप जा नहीं सकते। मैं एक बार देखता हूँ। ओह, सुरंग रह गई है। यहाँ से भी ढह गई। हम तो अंदर फंस गए। फिक्र मत करो, मेरे पास मेरी टूल किट है। हमें इससे बड़ी टूल किट चाहिए। इस चट्टान को तो टिली भी नहीं हटा पा रहा। अब हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? मालूम था आप में इतनी ताकत है। मम्मी ट्रक ने हमारी जान बचाई। मैं एरिक द एक्सकेवेटर से कह दूंगा कि वो ये सारे पत्थर हटा दे। और ज्यादा फन और एडवेंचर के लिए आपसे फिर मिलेंगे गेकोस गैरेज में। आज काफी जल्दी आ गया एरिक। मैकेनिकल्स, एरिक को अपनी मरम्मत करवानी है। चलो उठो आलसी हो, रात भर चार्ज करने के बाद भी तुम एक्टिव क्यों नहीं होते हो? चलो एरिक की मरम्मत कर दो ताकि वो काम पर जा पाए। Oh.
समझ में नहीं आ रहा है कि इन्हें आज हो क्या गया है। वाह, तुमने ठीक कहा एरिक, इनकी चार्जिंग रात भर ऑफ थी, शायद इसलिए थके हुए लग रहे हैं। चलो सारे आलसियों, चार्ज होने का वक्त आ गया है। ओ, चेकमेट। ये ओके मैकेनिक साथियों, अब तुम तरोताजा हो गए हो, तो काम खत्म करें। हो गया एरिक। जल्दी ही आपसे गैको के गैरेज में फिर से मिलेंगे। गैको'स गैरेज में आपका स्वागत है। आज कितना सुहाना दिन है, इसलिए रेड छत पर जा रहा है। वो वहाँ जाकर हमारे नए सोलर पैनल की फिटिंग करेगा। ये सूरज की ऊर्जा को सोख लेंगे और इसे पूरे गैरेज के लिए बिजली में बदल देंगे। हेलो बॉबी। वाओ, ये तुम्हें क्या हुआ? बहुत गंदे दिख रहे हो, हमने तो कल ही तुम्हारी सफाई की थी। कोई बात नहीं, स्प्लिश स्प्लैश स्प्लॉश एक्टिवेट करो गैको'स कार वॉश। हो गई सफाई, अब तुम चलने के लिए तैयार हो बॉबी? ओ, तुम तो फिर से गंदे हो गए, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? लगता है तुम्हारी सफाई हाथों से करनी होगी। लो हो गए साफ, तुम अपने रूट पर जा सकते हो बॉबी। अच्छा, इसलिए तुम गंदे हो रहे हो, तुम्हारा पुराना पेट्रोल इंजन। क्या तुम्हें एक नया और साफ सुथरा इलेक्ट्रिक इंजन चाहिए बॉबी? हाँ, सोलर पैनल्स तैयार हैं? सोलर पैनल सूरज से ऊर्जा लेते हैं और बॉबी को चलने के लिए क्लीन पावर देते हैं। हुरे! तो आप सबसे फिर मिलेंगे दोस्तों गैको'स गैरेज में। वाह, बहुत अच्छे मैकेनिक साथियों, साफ गैरेज ही हैप्पी गैरेज होता है। अजीब है, लगता है पावर चली गई, शायद सोलर पैनल में कुछ गड़बड़ी हो गई है। ओह डियर, सूरज की किरणें आना बंद हो गई है, पर ये कोई आम बादल नहीं है, हमें जांच करनी चाहिए। हाँ, अब कोशिश करो डिलन। कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम्हारा इंजन तो ठीक से काम करना चाहिए, मैंने सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए हैं। कैसे हो मिस्टर विल्सन, सब कुछ ठीक तो है ना? सब ठीक है गेको। मैं हार मानता हूँ। तो मुझे देखने दो डेलन। तो बुरी खबर ये है कि तुम्हारा इंजन निकालना पड़ेगा, पर अच्छी खबर ये है कि मेरे पास बिल्कुल नया इंजन है जो तुम्हारे और लोगों के काम आ सकता है। परफेक्ट। हमें सूरज की मदद लेनी होगी डेलिन के इंजन के लिए। जब तक हम डेलिन का नया इंजन इंस्टॉल कर रहे हैं, तब तक सोलर पैनल्स की बैटरी बिल्कुल चार्ज हो जाएगी।
अच्छी दिख रही हो डेलिन। गुड जॉब ग्रीन। क्लीन ग्राहक यानी हैप्पी ग्राहक और साफ प्लेनेट यानी हैप्पी प्लेनेट। सही कहा ना? तुमने सही कहा ग्रीन। वहाँ आग लगी है, ऐसा लग रहा है फियोना फायर ट्रक आ रही है। ओ नहीं, मम्मी और बेबी ट्रक साथ में रेसिंग कर रहे हैं और फियोना का सायरन उन्हें सुनाई नहीं दे रहा। फियोना, लगता है तुम्हें एक तेज आवाज वाला सायरन लगाना होगा। चलो मैकेनिकल्स, चलो फियोना का नया सायरन लगाते हैं। हाँ ऐसे ही, बस हमें एक अच्छी सी नी नौ आवाज चाहिए। काम हो गया, शुरू हो जाओ फियोना। ये तो ठीक नहीं है, ये तो डोरबेल की आवाज है। फिर से ट्राई करते हैं। अरे ये तो डायनासोर की आवाज है, हमें चाहिए नीनो। हाँ ये नीनो है, पर इसकी आवाज तेज होनी चाहिए। ट्रैफिक में हमें तेज आवाज चाहिए येलो। सायरन की आवाज तेज करो ताकि वो सुनाई दे। अब आई ना नीनो की तेज आवाज। बाय फियोना, गेकोस गैरेज में आने के लिए शुक्रिया। हाँ शुक्र है कि अब तो बारिश बंद ही हो गई। अब हम मजे से पिकनिक मना सकते हैं। हेलो, मैं शहर में नहीं हूँ, कैट है मेरा नाम और बचाना है मेरा काम। मैं यहाँ सबको सुरक्षित रखने आई हूँ। हेलो कैट, मैं हूँ गेको और ये सारे मैकेनिकल्स हैं। हम सब पिकनिक मना रहे हैं, तुम शामिल होना चाहोगी? ओ, क्या तुम्हारे पास चिकन सैंडविच है? हाँ अगर है तो। तुम्हारे पास है क्या? मैं आ रहा हूँ। ओह नो, बहुत ज्यादा कीचड़ है। टिली फिसल कर दूर जा रही है। चलो हेलिना, किसी को बचाना है। मैं पहुंच नहीं पा रही। संभल कर टिली, ध्यान से चलाओ ब्लू। मैं पहुंच नहीं पा रहा। गेको, छतरी इस्तेमाल करो। बाल बाल बचे। चलो तुम फिर से साफ हो गए टिली। हमारी टीम का जवाब नहीं गेको। बिल्कुल सच कहा, मदद के लिए शुक्रिया कैट। काम हो गया मैकेनिक साथियों। आज क्रिसमस है और गैरेज बहुत ही सुंदर दिख रहा है। तुम सबको पता है कि तुम्हें सेंटा से क्या चाहिए? ओह, तुम्हें नहीं पता ब्लू? ठीक है जल्दी फैसला करो, सेंटा किसी भी वक्त आते होंगे। मुझे ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी आएंगे। ओह, हेलो सेंटा,
गेको, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरे हिरन बीमार है, मेरी स्लेह उड़ नहीं सकती तो मैं आसमान में उड़ नहीं सकता, और अगर मैंने तोहफे नहीं पहुंचाए तो इस दुनिया में लड़के और लड़कियां क्रिसमस नहीं मना पाएंगे। हाँ, फिक्र मत कीजिए सेंटा, हम इसे उड़ाएंगे। के साथियों ने बचा लिया क्रिसमस, तो ये लो एक एक तोहफा तुम सबके लिए। हाँ, मुझे यही तो चाहिए था। थैंक यू सेंटा। तुमने फैसला कर लिया है कि तुम्हें क्या चाहिए? हो, तुम मेरे स्लेह पर सवारी करना चाहते हो, तो फिर आ जाओ, चलते हैं खुले आसमान में। गेको के गैरेज की ओर से आप सबको मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। देखो राइट, कैट आ गई है। हेलेना हेलीकॉप्टर पर हमने जो नए विंटर्स किट लगाए थे उससे वो बर्फ पर आराम से उतर पाएगी। ईहा! तुमने कर दिखाया हेलेना। कैसी हो कैट? कैसे हो गेको? देखो राइट, कैरी और बैरी स्नोमैन बना रहे हैं। हाँ, यकीन नहीं हो रहा है, वो सब दूर जा रहे हैं। चलो चलो टिली टो ट्रक। बिल्कुल भी मत घबराओ, हम तुम्हें बचा लेंगे। हाँ, पकड़ लो कैरी। कैट, क्या तुम बैरी तक पहुंच सकती हो? हाँ बिल्कुल। हेलेना चलो। बटन दबाओ रेड। हमने कर दिखाया। हाँ, काश हम स्नोमैन को भी बचा पाते। गेको? ये तो गेको है। कोई बात नहीं कैट, आखिर में हमें स्नोमैन मिल ही गया। या फिर स्नो गेको ही कह दो। ये तो डरन का डंपर ट्रक है, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? आपके डंपर ट्रक में प्रॉब्लम है क्या? चलो मैकेनिकल साथियों। समझ गया, आपका डंपर ट्रक आपकी सारी चीजें फेंक रहा है। मुझे लगता है कि पिस्टन बदलना पड़ेगा।
पिस्टन लाता हूँ तब तक तारों को काट दो ताकि ये सारी चीजें गिर ना पाए। इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अरे ये तार वापस कैसे जुड़ गए? अच्छा तो वो तुम थे जो तार वापस जोड़ रहे थे। चलो कोई बात नहीं, बहुत मजाक हो गया, अब हम अच्छे से काम करते हैं। तो ये रहा तुम्हारा पिस्टन डियर, पर तुम्हारा पुराना पिस्टन भी काम आ सकता है। ओके मैकेनिकल साथियों, हो गया। देखो तुम्हारे लिए नए पिस्टन पट्टियाँ, वो भी डैलन के पुराने पिस्टन से। ये लो एरिक, अब तो ठीक है ना? ये क्या था? ओ ये तो मैक्स द मॉन्स्टर ट्रक है, उसे यहाँ नहीं खेलना चाहिए, कंस्ट्रक्शन की जगह सुरक्षित नहीं है। देखो मैक्स कितना नुकसान कर रहा है। नहीं, मैक्स का फ्यूल खत्म हो गया, हमें उसे निकालना होगा इससे पहले कि कंक्रीट सूख जाए। जाओ मैकेनिकल्स, जल्दी से पेट्रोल लेके आओ। ओह डियर, ये कंक्रीट तो बहुत जल्द सूखने वाला है। समझ नहीं आता अब हम ये पेट्रोल मैक्स तक कैसे पहुंचाएंगे। एरिक ने एक ब्रिज बना दिया। कंक्रीट सूख नहीं वाला है। चलो मैक्स चलो। लगता है मैक्स को उसका सबक मिल गया। थैंक्स एरिक, तुमने अच्छा काम किया। अगली बार फिर मिलेंगे। बाय। बस हो गया फियोना, ये आ गई तुम्हारी नई सीढ़ी। से कैसे हो गेको? मैं और हेरन अपने लूप्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखो हमारा कमाल। एक बड़ा वाला हो जाए हेलेना। सफल कर कैट। अरे नहीं, कुछ आ रहा है। रेड गेको, हेलेना की स्किट्स के बिना मैं लैंड नहीं कर सकती। अरे नहीं, जल्दी करो मैकेनिक साथियों, उसकी मदद करनी होगी। जल्दी से वो पहिए लेकर आओ। मुझे थोड़ा और नजदीक जाना होगा। कोशिश कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। नहीं, संभल कर गेको। ओह,
इसको उठाओ। हाँ, एक आइडिया है मेरे पास। अभी ब्लू, शुक्र है, एक और बढ़िया लैंडिंग। मदद के लिए शुक्रिया गेको। कोई बात नहीं कैट, ये तो मेरा काम ही है। हेलो दोस्तों, आज ग्रीन का बर्थडे है और हम एक बीच पार्टी की तैयारी कर रहे हैं। आराम से, ये हीलियम के बलून्स हैं, इसलिए ये उड़ते हैं। सब कुछ तैयार है, हम बस फियोना फायर ट्रक का इंतजार कर रहे हैं केक लाने के लिए। ध्यान से फियोना, आगे मत आओ, आगे गीली रेत है। जल्दी करो, हाई टाइड आ रहा है। हम तुम्हें बाहर निकाल लेंगे फियोना। हाँ, हम सारे बलून से फियोना को लिफ्ट कर सकते हैं। जानता हूँ तुम्हें बलून्स अच्छे लगते हैं, पर फियोना को उनकी जरूरत है। हमें दे दो प्लीज। काम बन गया, काम बन गया। ओह, कुछ ज्यादा ही ऊपर हो गया, वो उड़कर दूर जा रही है। समझ गया, चलो चलो मैकेनिकल्स। बहुत अच्छे मैकेनिकल्स। देखो पार्टी के और मेहमान भी आ गए। आप सबके आने से खुशी हुई। बलून्स देने के लिए शुक्रिया ग्रीन, एंड हैप्पी बर्थडे टू यू। हुरे! इतना शोर शराबा कैसा? ओ, ये तो बैरी बस है, लगता है काफी जल्दी में है। तुम ठीक तो हो ना बैरी? हो, तुम्हें डर है ना कि तुम लेट हो जाओगे, लेकिन ऐसे तो तुम कहीं भी नहीं जा पाओगे। रुको, मुझे देखने दो। ग्रीन, मेरा सबसे अच्छा पाना लाओगे प्लीज? ओह ग्रीन, तुम्हें भी टेंशन हो रही है ना? मुझे ऐसा लगता है कि हमें गहरी सांस लेनी होगी। रुको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले तुम एक गहरी सांस अंदर लो और फिर सांस बाहर छोड़ो। अब तुम ट्राई करो, अंदर, एक, दो, तीन, चार, पांच, छोड़ो, एक, दो, तीन, चार, पांच। तो बेहतर है ना? याद रखो, अगर टेंशन के वक्त गहरी सांस लोगे तो टेंशन कम हो जाती है। बाय बेरी। लो, हो गया एरिक, अब तुम्हारा हाथ बिल्कुल ठीक है। मैकेनिक साथियों,
बच्चे क्या कर रहे हो? ओह अच्छा, पायरेट्स का खजाना ढूंढ रहे हो क्या? कैसे हो मेरे साथियों? अब ये आवाज कैसी थी? हाँ, एरिक को शायद कुछ मिला है, शायद बहुत बड़ा खजाना। ये सब क्या है? येलो, हो सकता है ये सोना ना हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि खजाना ही ना हो। टडा! ये तो एक पुरानी रेलवे हाथ गाड़ी है, पर कुछ कमी जरूर है इसमें। अरे वाह, एरिक को पुरानी पटरियां मिल ही गई। अब कोशिश करके देखो साथियों। देखा, सिर्फ इसीलिए कि कोई चीज सोना और चांदी नहीं होती, इसका मतलब ये नहीं कि खजाना नहीं है। बहुत खूब साथियों। हेलो दोस्तों, आज काफी बिजी दिन है। बेबी ट्रक और मैक्स द मॉन्स्टर ट्रक का टायर बदलना है, लेकिन मैक्स है कहाँ? ओह हेलो मैक्स, चलो चलो मैकेनिकल्स। येलो, नहीं, येलो का सर दीवार से लग गया। अब जिम्मेदारी तुम्हारी है रेड और ब्लू। लगता है गड़बड़ हो गई। जल्दी आओ येलो। लगता है टायर्स की अदला बदली हो गई। कोई बात नहीं, गलतियां हम सबसे होती हैं। हमें बस टायर्स वापस लगाने हैं। ओ फिक्र मत करो मैक्स, ये जल्दी ठीक हो जाएगा। यक। बेबी ट्रक, जानता हूँ तुम्हें मजा आ रहा है, लेकिन वो मैक्स के टायर्स हैं, तो हमें उन्हें वापस करना है। ओ, बहुत अच्छे बेबी ट्रक, बहुत जरूरी है चीजों को लेने के बाद उन्हें वापस करना। आपसे फिर मिलेंगे, बाय। बहुत अच्छे साथियों। ये सब क्या हो रहा है स्क्रू ड्राइवर्स? लगता है कोई बहुत ज्यादा दुखी है। ओ देखो, ये तो मॉन्स्टर ट्रक और उसकी छोटी बहन मॉली है। हमें उसकी मदद करनी होगी। हेलो मैक्स, हेलो मॉली। हाँ, गोल झूले को ढीला करना होगा। फिक्र मत करो मॉली, ये फिर से घूमने लगेगा। हाँ। देखो ये तो ट्रक परिवार है। हेलो बेबी ट्रक, क्या तुम्हें पतंग उड़ाने के लिए मदद चाहिए? मुझे एक आइडिया मिल गया है।
मैकेनिक साथियों, हमें थोड़ा तेल और पानी की जरूरत होगी। ठीक है मेरे साथियों, धक्का लगाओ। अरे इतना तेज नहीं। नर्स की कसम, चक्कर आ रहे हैं। देखो मेरा प्लान काम कर रहा है या नहीं। तैयार मेरे साथियों, इस बार संभल कर काम कर गया। बहुत बढ़िया साथियों, सब बहुत खुश हो गए। शुक्रिया मम्मी ट्रक, शुक्रिया मम्मा रिसाइकल, अब सब कुछ ठीक है। और याद रखना दोस्तों, आज वैलेंटाइंस डे है और हम बॉबी ट्रक की मदद से मम्मी के लिए डिनर बना रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा राज है। तुम खाना तैयार करो, मैं मम्मी को बिजी रखता हूँ। लेता हूँ कि आपके पहिए ठीक है या नहीं। लगता है कि बाहर हवा चल रही है। चलिए देखते हैं कि आपके बोर्ड्स टाइट है या नहीं। हाँ, हो। आखिरकार सारा काम हो गया। चला। हैप्पी वैलेंटाइंस डे मम्मी और मामा, आपका स्वागत है। पर ये बेबी ट्रक का आइडिया था। बहुत बहुत शुक्रिया बेबी ट्रक, तुम्हारी मम्मी बहुत ही ज्यादा खुश है। कैसे हो दोस्तों, हम बस कार वॉश को सुधार रहे थे ताकि हम स्प्रे पेंट कर सके। ओके मम्मी ट्रक, आ जाओ। अब बस पेंट के सूखने का इंतजार करना है। तब तक हम क्या करें? चलो हम खेलते हैं लुक्का छुपी। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस। आप सब तैयार हो या नहीं? मैं आ रहा हूँ। क्या तुमने आज बेबी और मैकेनिक साथियों को देखा है मम्मी ट्रक? वो कहाँ जा सकते हैं? जा सकते हैं। शायद मुझे वहां देखना चाहिए। हा,
ढूंढ लिया, अब छुपने की बारी मेरी। फिर मिलेंगे दोस्तों, बाय बाय। कामयाब हो गए मैकेनिक साथियों, ग्राहक खुश हो गए। अरे नहीं, ये तो बहुत बुरा हुआ। आखिर बात क्या है मिस्टर वेसल? स्लाय की हालत देखो, मेरी कीमती स्पोर्ट्स कार पर एक गंदा निशान आ गया है। स्लाय हमारा कार वॉश यूज कर सकता है। मेरा वीजल वॉश उससे कहीं ज्यादा बेहतर है। अब चलो भी सिल्वेस्टर, टाइम पास मत करो, तुम्हें यहाँ आना है। अरे नहीं, तुम्हें मुझे नहीं धोना है बेवकूफ रोबोट। स्लाय, कुछ तो करो। अरे नहीं, हमेशा गड़बड़ करते हो। स्लाय को हमारी मदद की जरूरत है। ब्लू, जल्दी से हमारा सामान लाओ। ब्लू, जल्दी से मुझे स्पाइनर दो, विजल वॉश बहुत गड़बड़ कर रहा है। तुम ठीक तो हो ना मिस्टर वेसल? एकदम बढ़िया। सुनकर खुशी हुई। उप्स, एक दाग रह गया। कैसे हो दोस्तों? बेबी ट्रक अपने मैकेनिक साथियों के साथ खेलने आए हैं। बहुत बढ़िया, मैं जल्दी आके खेलूंगा, पर पहले मैं फियोना फायर ट्रक के पहिए बदल देता हूँ। किसी को मदद की जरूरत है। अरे नहीं, आग लग गई है और फियोना कुछ नहीं कर पाएगी, उसका पहिया अब तक बदला भी नहीं है, अब क्या करेंगे? शुक्रिया रेड, कार वॉश। और तुम बेबी ट्रक, क्या तुम एक दिन के लिए फायर ट्रक बनना चाहोगे? जल्दी जल्दी चलो फायर ट्रक। घबराओ मत ट्रेवर, डरने की कोई बात नहीं है, केको के फायर फाइटर्स आ चुके हैं। अरे नहीं, पानी तो लीक हो रहा है, जल्दी संभालो रेड। बहुत अच्छे रेड। कोई बात नहीं ट्रेवर, और बहुत अच्छे बेबी ट्रक, तुम बड़े होके किसी दिन बहुत ही अच्छे फायर ट्रक बनोगे। फिर मिलेंगे दोस्तों। जिससे गैरेज के दरवाजे को खोलो, अभी वक्त है। बहुत सारी गाड़ियों को मदद की जरूरत है। यकीन नहीं होता मैकेनिक साथियों, गर्मी से हमारे दोस्तों के पहिए की हवा निकल गई है। अरे नहीं, लगता है गाड़ियां इंतजार करके थक गई है। हाँ,
नहीं होता मुझे, मुझे इतने सारे टायर इतने जल्दी फिट करने होंगे। हाँ, वैसे फास्ट टायर से याद आया, ये आवाज तो बिल्कुल दादी माँ की बाइक। कहाँ है मेरा छोटा गैके जिसे कितना बड़ा काम करना है? आपको कैसे पता? छोटे ब्लू ने मुझे सब बता दिया। कभी कभी मदद मांग लेना ठीक होता है बेटा। आप दोनों का शुक्रिया। मदद करके खुशी हुई, जैसे तुमने हमेशा मेरी मदद की है और बाकी सबकी भी। तो बच्चों, चलो इन्हें ठीक किया जाए। आपका जवाब नहीं दादी माँ। हाँ मैकेनिक साथियों, मेरे पास एक आइडिया है। मेरे गैकी के काम का जवाब नहीं, मैं अपना बेस्ट दूंगा। जल्दी लौट कर आना। शुक्रिया दादी माँ, मैं कभी भी आपके बिना ये नहीं कर सकता था। और दिन भर बहुत सारे जोक्स भी मार सकते हो तुम। तो बताओ भूख किसे लगी है? आपको आराम करने की जरूरत है दादी माँ। पर मैं तुम्हारी फेवरेट बनाकर लाई हूँ, मेरा स्पेशल एप्पल पाई। तुमने गैराज को बढ़िया सजाया है मेरे प्यारे गैकी। मेरे वक्त तो ये काफी अलग लगता था। शुक्रिया दादी माँ। लगता है सफाई काफी पसंद आ रही है माइल्स, ये काफी साफ सुथरा लग रहा है बच्चों। बचाओ, बचाओ, मैं रुक नहीं पा रहा। मिस्टर वीजल, वो मुश्किल में है। दादी माँ रुको। शुक्रिया रेड। पीछे हो जाओ बच्चों, दादी अपने अभियान पर निकल रही है। मिस्टर वीजल, आखिर मुश्किल है क्या? ये एक्सेलरेटर फंस गया है, मैं स्पीड कम नहीं कर पा रहा हूँ, बचाओ। दादी माँ, देखो सनरूफ। तुम ये कर सकते हो बच्चे। गेको, प्लीज इसे रोको। सॉरी। एक्सेलेटर तो बबल गम से चिपक गया है। एयू। ओह, बाल बाल बच गए, हम पानी में नहीं गिरे। बकवास, सब कुछ मेरे काबू में ही था। ये काम मैं आपके बिना नहीं कर पाता दादी माँ। मदद करके खुशी हुई बच्चे, अच्छा दिमाग चलाया, मुझे तुम पर नाज है। शुक्रिया मेरी दादी माँ।